रबरा भाई सर मैं प्रियंका शिवाच और आप देखने लग रहे हो एचआर न्यूज़। फिलहाल मैं मौजूद भाई खरकड़ा गांव में, देखेंगे इस बार जो हमारी जनता है उसका जो रुझान है वो एमएलए की सीट पर किसका नहीं है और किसने मैं देखना चाहूँ इस बार। ताऊ जी राम राम। ठीक हो? ठीक है। तो आपके गांव में तो राधा अलावत उठ रही हैं। गांव का नहीं बता सकता बेटी, अपना बता सका। आप दिवाएं कांग्रेस की। अच्छा कांग्रेस। हाँ गांव का अपन ठेका नहीं। जो गांव के उठ रही है मतलब गांव में क्या सपोर्ट नहीं कर रहे के। भाई हम तो देंगे बीजेपी की, बीजेपी बढ़िया पार्टी कोई सही नहीं। कोई नहीं। जो यूक्रेन में जाके दो दिन युद्ध रुका सका है उसकी कितनी वैल्यू होगी उस आदमी की, देख लो ना। बीजेपी एक नंबर, यानी कि राधा अलावत के काम करवा दिए फिर इनने। के नहीं करा नू पूछो, के नहीं कराया नू पूछो, के काम नहीं करा, इतने काम करा इतने तो किसी कांग्रेस में तो होए नहीं कदे। न्यू का कुछ करवाया है कोनी, मेरी जानकारी में जनता तो न्यू कह रही कुछ करवाया है कोनी, बीजेपी ने लूट के खा गई देश ने। बादरगढ़ में बच्चा ने फांसी टूटो रहे बच्चे या सीटी लेगी ने आरग्निवीर कर दी। बादरगढ़ में दो मेरे जानकार हैं, दो किराए पर हैं, दो छोरे एक घर मतलब बिना खर्चे बिना पर्ची के लगे हैं। बीजेपी तो बढ़िया पार्टी कोई नहीं है। हिंदुत्व क्या उसमें हिंदुत्व, ये हिंदुत्व की पार्टी है। काम भी करिया है अपना बेटी, बता दिया अपना पल्ले या कहीं मेरा। कांग्रेस ने कुछ कौन करवाया? कांग्रेस ने कराया ना कराया ये तो हमने देख के छक लिया। बीजेपी तो साथ बटोगे तो कटोगे, गाजर मुड़ी डाल कटोगे। ये योगेन जो कल बयान दिया ना, अब बटोगे तो कटोगे, आज सब प्रधानमंत्री बनावांगे। जुगर गाजर मुड़ी कटेगा न्यू कटेंगे, योगेन तो प्रधानमंत्री बनावांगे। बीजेपी आओगी दोबारा तीसरी बार है। अच्छा चलो एमएलए की बात करा तो राधा अलावत है। हाँ आपके गांव की है इसलिए ना, चार बार तो हार ली, दोबारा फिर तैयारी कर दी। हारी को नहीं कदे भी ना हारी। बादगढ़ रहूं मैं, गांव का हूँ। पहली बार उठा है हारी कद है राधा, तो पहली बार सुना। पहले नंबर ही आया राधा का और ई बेस का नंबर पड़ेगा। अच्छा उसके हस्बैंड तो हार लिए। कौन हस्बैंड हारे? जाओ हस्बैंड का हारा नहीं है एक बार भी। खड़ी मना धक्का दे दो वहाँ पड़ जाएंगी। यारत क्या कांग्रेस जीत गई? निर्दलीय जीता है कुंडू, इबका वो हार जाएगा, इबका बीजेपी जीत जाएगी। करा क्या है कांग्रेस ने? जीतेगी बीजेपी। बीजेपी हर हालत जीतेगी, हर हालत में जीतेगी। आपके गांव की आगे से बोल रहे थे कि कुछ करवाया तो कोनी, चार बार हारी पांचवी बार फिर हार जाएगी। नहीं हारेगी राधा, राधा नहीं हारेगी, राधा एक नंबर तक चलेगी। राधा नहीं हारेगी। मैं तो कुछ नहीं। क्या थे के को थे? बोलो बोलो, इसे गांव के हो गए आप तो। वो बोला विकास, आप तेने तो बताया ही नहीं। राधा अलावत, राधा अलावत गांव की है इसलिए ना? इसलिए नहीं, बीजेपी की है इसलिए। बीजेपी की है इसलिए। चार बार हार ली उसके बाद भी कोई बात नहीं, फिर भी मध्य वर्ग का कौन था उसको जीत रही है? हार कौन का उसको जीत रही है? राधा अलावत पता कहाँ से हार? और अरे हम तो है अरे नहीं है, जो सामने जो जोड़ है ना उसका तक विकास नहीं करवाया, उसका तक सफाई नहीं करवाई तो गांव में क्या करवाओगी? कुछ नहीं होता, एकदम कुछ नहीं होता। इतने साल हो लिए, कोई नहीं फिर सब चार साल हो लिए, अब राधा अलावत नहीं सब कुछ होगा। हर कट्टर बीजेपी के यहाँ बीजेपी की वोट गिराएंगे साफ। इसीलिए के काम करवा दिया, सब कुछ काम करा दिया ना, कुछ नहीं करा, लेकिन हम बीजेपी यहाँ कट्टर बीजेपी की वोट गिराएंगे खुली। एक सौ बावन डी बनवाया, जो मेन पे लाखों रोड आवे है, रेलवे पुल बनवाया। पिछले बार ज्यादा बरसात हो गई थी, बाढ़ गल हाथ हो गई थी, सारी निकासी करा दी थी, बढ़िया फसल हुई थी, वो सरकार के कराओगी? दो हजार किसान ने गए खत्म रुपया में। तो ये सारे तो इसमें जो सरकार चल रही है उसमें भी तो ये हैं। हाँ बीजेपी सरकार ने कराए हैं, हर मोदी वर्ग आदमी को नहीं। नहीं एमएलए की बात करा तो, एमएलए की बात करा तो, जो एमएलए पर की कुर्सी पर जो फिलहाल है उसमें कहाँ कमी रही है? ठीक है वो तो राज्य में उसका हिस्सा कौन नहीं होया, बस बस वो भी चला रहा है, किसी बुराई नहीं करनी चाहिए, धार्मिक काम उसने बतीरे करे हैं, लेकिन वो सरकार में शामिल कौन नहीं हो सकया। सरकार में होता तो और विकास ज्यादा हो जा रहे।
एक बार उठ चलेंगे आज। अंकल जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। ठीक हो? हाँ जी ठीक। इसे काम क्यों ने? हाँ जी। तो इस बार एमएलए की कुर्सी पर किसने बैठना देखना चाहो? जी मैंने इस बार में ज्ञान नहीं है जी। वोट तो आप भी करते होगे? हाँ वोटिंग तो कर यार। तो फिर जो सरकार चल रही उसमें कोई अच्छा काम लग गया हो? जी मैंने तो ज्ञान नहीं देखो इस बारे में। ये बोल दो ना बताना नहीं है इस बारे में लेकिन कुर्सी पे किसने बैठा देखना चाहो? कोई बैठा हमने कोई मतलब सारे बराबर है। सारे बराबर हम सारे बराबर आपके गांव के उठ रहे हैं वोट तो से गिरा है गांव के उठ रहे हैं सिर्फ गांव की इसलिए कुछ करवाया भी होगा निकरवाने करूं तो कोई मतलब को नहीं हमने बस गांव की है जाते न्यू के गांव में तो अरवाव है सारा नहीं चार बार हार ली जीत तो मतलब राम तो अपनी तरफ से पक्का है ठीक है ना आगे सी जा रहे थे हम आगे सी और सिर्फ रुके मार थे सिर्फ बलराम दागी एक तरफा टक्कर में दांगी और ये दोनों की टक्कर है राधा जी और बलराम दांगी दोनों की टक्कर है ठीक है ना अब की बार राधा जीतेगी उसके तो नसीब में नहीं था शमशेर के राधा के पूरे पूरे चांस वाने रहे हम तो चलो।